रोहित शर्मा ने वनडे सीरीज के लिए घोषित कर दी भारतीय टीम और टीम में कर दी चार भूखे शेरों की वापसी। जी हाँ दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैच की सीरीज 17 मार्च से शुरू होने जा रही है। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरी खबर। इससे पहले आप भी रोहित शर्मा को अच्छा कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूले। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा ने भारतीय टीम का ऐलान करते हुए टीम में चार भूखे शेरों को शामिल कर दिया है, जिन्हें देखकर ऑस्ट्रेलिया टीम को वनडे सीरीज में भी हार का डर सताने लगा है। दोस्तों आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा के साथ सुमन गिल ओपनिंग करते नजर आएंगे। सुमन गिल को तीसरे टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिला था, पर सुमन गिल तीसरे टेस्ट मैच में ज़्यादा रन नहीं बना सके, लेकिन सुमन गिल वनडे मैचों में खतरनाक खिलाड़ी बन जाते हैं। नंबर तीन पर आपको विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। विराट कोहली इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। नंबर चार पर रोहित शर्मा ने T20 के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन को टीम में शामिल किया है। नंबर पाँच पर दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे। सूर्य कुमार यादव को टेस्ट मैच में डेब्यू करने का मौका मिला था, पर सूर्य कुमार यादव अपने टेस्ट मैच को यादगार नहीं बना सके। पर सूर्य कुमार यादव T20 और वनडे सीरीज में जाकर खतरनाक खिलाड़ी बन जाते हैं। नंबर छह पर आपको हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो रही टेस्ट सीरीज में आराम दिया गया है। नंबर सात पर रोहित शर्मा ने दुनिया के नंबर वन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को टीम में शामिल किया है। भारतीय टीम की ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रही टेस्ट सीरीज में रविंद्र जडेजा शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। जडेजा पहले दो टेस्ट मैचों में मैन ऑफ द मैच भी बन चुके हैं। नंबर आठ पर रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया है। नंबर नौ पर आपको उमरान मलिक खेलते नजर आएंगे। नंबर दस और ग्यारह पर आपको अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी खेलते नजर आएंगे। दोस्तों कमेंट करके बताना रोहित शर्मा की घोषित हुई भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में हरा सकती है या नहीं।